इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है, तो वहीं मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल की हिरासत के लिए बढ़ाने के लिए मांग की थी। केस की सुनवाई आज सुबह ही शुरू हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केजरीवाल को कोई भी राहत नहीं होगी। सूत्रों की माने तो ईडी के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ईडी के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई भी केजरीवाल की कस्टडी कोर्ट से मांग सकती है। अरविंद केजरीवाल को लगभग ईडी ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी।